गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉस मेडिकल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। डेटा इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज रिसाइड्स इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप अ ट्रैक ऑफ all files of the computer system and must take care of the integrity of data in files. Files management और information management क्या होता है? जो भी data computer में होते हैं वो secondary storage device में ही store होते हैं file के form में। operating system का important function होता है ये file के data को integrity करने में। Following are the sum of the main activities performed by an operating system to manage the information available in computer system. Computer system में operating system के information को manage करने के लिए ये निम्न function perform करता है। First, proper storage and retrieval file. Second, keeping the data of file intact. Third, allocating memory space to files. Fourth, allocation of a file space, and fifth, coordination of sharing of file. Six, setting the file access, write or permission, etc. And last, management of the file or information using various system tables. इसके बाद next है job control management. Operating system has a special category of program or commands which is called as its JCL. Job Control Language. JCL comprises of numbers of a special operating system commands. It is this JCL of an operating system which fulfill the request of user to run any desired applications and coordinates with an operating system. Job Control Management special category program है जो कि operating system के द्वारा perform किया जाता है। इसे हम JCL कहते हैं। ये नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को कंप्राइज करता है। JCL यूज़र द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट और डिज़ायर एप्लीकेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। सम मेजर प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफर बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, सीरियल प्रोसेसिंग। सेकेंड, बैच प्रोसेसिंग। थर्ड, मल्टी प्रोग्रामिंग। फोर्थ, रियल टाइम प्रोसेसिंग। एंड फिफ्थ, टाइम शेयरिंग। अब इसमें फर्स्ट है आपका शेयर सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग, इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मोड डेटा वॉज प्रोसेस्ड सीरियली। सीरियल एक्सेस ऑफ डेटा मीन्स टू फॉलो एनी सिक्वेंस इन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। दिस मोड ऑफ प्रोसेसिंग वॉज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यूजर एंड मशीन एज वेल। सीरियल प्रोसेसिंग में डेटा सीरियल में होते हैं और इन डेटा पर सीक्वेंस में प्रोसेस होता है। इस मोड में प्रोसेसिंग टाइम बहुत अधिक लगता है। सेकंड, बैच प्रोसेसिंग। इट्स रेफर टू द मोड ऑफ वर्किंग वेयर जॉब्स डेट रिक्वायर सिमिलर कंप्यूटर रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड प्रोसीड इन बैचेस। दिस मैथड ऑफ प्रोसेसिंग इन्हेंसेस the utilization of computer resources and save the user and machine time. Batch processing क्या होती है? Batch processing में computer resources का best utilization होता है और user और machine दोनों का समय बचता है। जबकि serial processing में क्या होता था, जो भी data execute होते थे वो serial sequence में होते थे और उसमें user और machine दोनों में बहुत उस data को process करने में समय लगता था। Batch processing में बहुत कम समय में ही ये प्रोसेसिंग का काम कर लेता है। थर्ड, मल्टी प्रोग्रामिंग। इट्स बेसिकली रेफर टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम बाय यूजिंग इट टू प्रोसेस मल्टीपल जॉब एट अ टाइम। दिस कॉन्सेप्ट और टेक्निक इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द सीपीयू आइडल टाइम इज फुली यूटिलाइज्ड। एक ही समय पर मल्टीपल जॉब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन सीपीयू के द्वारा मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है। इस टेक्निक से कंप्यूटर सिस्टम और सीपीयू का फुली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फोर्थ,
real time processing. Any kind of processing system where response time plays a critical role can be defined as a real time system. Response time is the period between the user request and its fulfillment. Any kind of a setup where the response time can trigger some related activity or any interlinked process need an extremely quick response time. Airline reservation, hotel reservation, missile shooting, etc. are some of the example of real-time system. Real-time processing, short time period mein data processing ka execution real-time processing mein hota hai. Generally, bank, ATM, traffic control, in mein real-time processing used hoti hai. Ye bahut tez facility provide karte hain. इसलिए हम एयरलाइन रिजर्वेशन में, होटल रिजर्वेशन में इन सब जगह रियल टाइम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं. टाइम शेयरिंग, अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ नंबर ऑफ यूजर टू साइमल्टेनियसली यूज्ड अ कंप्यूटर. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू ईच यूजर ऑफ द कंप्यूटर. टाइम शेयरिंग, इसमें मैनी यूज़र कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं एट द सेम टाइम पर. टाइम शेयरिंग की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूज़र को फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूज़र इट्स सपोर्ट. फर्स्ट, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम डैट सपोर्ट्स ओनली वन यूज़र एट अ टाइम कैन बी कॉल्ड एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक प्रोग्राम एक समय में एग्जीक्यूट होता है और एक ही यूज़र उस पर वर्क कर सकता है, वो कहलाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ़ देयर आर नो नंबर्स ऑफ स्टैंड अलॉन पी सी देन देयर मस्ट बी नो of operating system load on their individually. Independence, user of separate PC cannot use the operating system of other PC. Example, MS DOS. Generally, single user operating system में हम एक ही program को एक समय में execute करवा सकते हैं और इसमें एक ही user काम करता है. Microsoft Disk operating system इसका best example है. सेकेंड, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम डैट अलाउ मल्टीपल नंबर्स ऑफ यूज़र टू वर्क ऑन अ सिस्टम एट अ टाइम इज नोन एज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. अ सिंगल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी लोडेड ऑन वन सिंगल कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी एक्सेस बाई ऑल अदर कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम. इन दिस केस it is not required to load operating system on individually system of the network setup, but they use the operating system which is loaded on main computer system. This main computer system is known as server and other computer data link to it can be termed as client. Example, Unix, Linux, Windows, NT, etc. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशल प्रोग्राम का ग्रुप होता है जो अनेक काम को एक साथ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में एक ही कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं. इनमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं और जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें हम क्लाइंट के नाम से जानते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम एडिशनल कैटेगरीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.